वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप सबकी बढ़िया चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है आपका, यही मौका है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे आप अपने लक्ष्य को और आसानी से प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप एग्जाम को फाइट करके और इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% जो है वो हो जाए, ठीक है? कैसे आप 120 प्लस मार्क्स जो है वो एग्जाम में लेकर आ सकते हो? तो 120 प्लस मार्क्स का मतलब ये है कि 100% आपने हर चीज को समझा, पढ़ा, लर्न किया और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आप टीचर बन गए। तो टीचर बनने के लिए देखिए मेहनत तो काफी करनी पड़ती है, ठीक है? बिना मेहनत के तो कुछ भी सफलता नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, क्योंकि आप मेहनत आज करोगे तो आप कल जो है वो अपना खुद का जो प्रॉफिट है वो देखोगे। तो जरूरी है कि आपका इस बार सिलेक्शन को ले लेना, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो फिर से वही बुक्स, फिर से वही कहानी कि बुक्स को पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज करो, फिर लर्न करो और फिर प्रैक्टिस करो, पूरा साल फिर इसमें लगा दो और वही टेंशन, ठीक है? तो दोबारा से ये चीज रिपीट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इस बार ही आप अपने सारे जो भी हथियार हैं वो निकाल लो और उन हथियारों को लेकर जो है वो युद्ध के मैदान में कूद पड़ो, ठीक है? तो ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप सिलेक्शन करवा लोगे और कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन करवाने से। तो आपने भी देखा होगा सिलेक्शन होते हैं, बहुत बच्चों के होते हैं, न्यूज़पेपर में आप देखते हो, नेट पर देखते हो आप, है ना? तो सभी के होते हैं, वो आपकी और मेरी तरह ही होते हैं, बस फर्क ये होता है प्रॉपर गाइडेंस की, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा तो आप उस सीढ़ी पर लगातार चलते रहोगे। तो जैसा कि हम लोग बहुत कुछ कर भी चुके हैं, हमारे अगर हम SST की बात करें तो हमारा हिस्ट्री का पूरा हो चुका है, पॉलिटी जो है वो हमारी आधी हो भी चुकी है और ज्योग्राफी सर ने स्टार्ट करवा दी है, साइकोलॉजी हमारी चल ही रही है, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा काम है कछुए की तरह चलना, ना कि खरगोश की तरह इतनी तेज जंप लगाना कि वापस वहीं पर आना पड़े, ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए हर चीज को। तो कैसे आप 120 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर आ सकते हो, तो वो तीन बातें जो है वो कौन सी जरूरी है, जिसमें फर्स्ट बात जो है वो मैं आपको बार बार बताती हूँ, RBSE की बुक्स, RBSE की बुक्स, ठीक है? जो कि आपके लिए बहुत अहम रोल निभाती है और जहां से आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होता है। इन बुक्स को आपने पढ़ लिया है और उनकी क्वेश्चन सीरीज जो है वो आप चैनल पर आप देख रहे हैं, वहां लगातार डाली भी जा रही है और आप देखते भी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और वहां पर उनको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती भी हैं जानने को, ठीक है? तो यहाँ तो हम बिल्कुल रेगुलर चल ही रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो है जो बुक्स पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से पढ़ने के लिए उनके माइंड में ये आता है हम तो पढ़ चुके हैं, ये अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक बार हमने पढ़ ली। एक बार पढ़ने के बाद क्या आपको सारी चीजें याद हो गई? कभी नहीं याद हो सकती। दोबारा पढ़ने पर भी आपको इतना याद नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बुक्स अगर आपने एक बार निकाल ली है, दोबारा भी निकालेंगे तब भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाती है। तो बुक्स जो है वो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लगाइए, उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे ना तो ये आपके फायदे के लिए है, ठीक है? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो ये क्या होगा, इससे आपका ही फायदा होगा। आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हो और उसमें जब बिल्कुल आप निखर जाते हो कि हाँ अब ये मेरा पूरा हो गया है, तब आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए, नेक्स्ट सब्जेक्ट को लीजिए, ठीक है? आप सभी सब्जेक्टों को लेकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, सभी सब्जेक्टों के ऊपर आपको ध्यान देना है क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आपको 100% जो है वो 100% जो है वो सिलेबस कंप्लीट आपको करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि हमारा जो इंग्लिश है वो तो वीक है इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे,
नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर हम कर रहे हैं 120 प्लस मार्क्स की, ठीक है। ये कैसे आ सकते हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे 100%। तो अगर आप यहाँ कर लेते हो, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, और उसके बाद जो तीसरी बात है, तीसरी बात 100% कर लेते हो आप, उसके बाद जो आपकी तीसरी बात है और वो है प्रीवियस पेपर्स। आप 10 साल के प्रीवियस पेपर्स निकालेंगे और वहां आप सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, वहां एक आइडिया मिलेगा आपको जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वहां किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षण विधियां, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि शिक्षण विधियां जो सोचिए आप फ्री के मार्क्स होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन को और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। तो शिक्षण विधियां जो है उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, क्योंकि वहां एक प्रॉपर बुक नहीं होती है। कौन कौन सी बुक खरीदेंगे आप, कौन कौन से राइटर्स की खरीदेंगे और कितना पढ़ेंगे। तो चैनल पर शिक्षण विधियां जो है वो SST की डाली जा चुकी है, इंग्लिश की भी डालूंगी मैं, हिंदी की भी डालूंगी, ठीक है। तो वहां आपको ये चीजें जो है ये भी पता चलेंगी। प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सारा कुछ पढ़कर जाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दोबारा से सिलेक्शन नहीं होता है, दोबारा से फिर वही पढ़ना पड़ता है। तो आप दोबारा से पढ़ने की बजाय इसी साल अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना टाइम मिल रहा है जो कभी आज तक नहीं मिला है, बिल्कुल कभी नहीं मिला है आज तक इतना ज्यादा टाइम। तो आपको करना क्या है, एक तो करना है RBSE की बुक्स जो है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, या NCERT की बुक्स जो है जो बच्चे वो पसंद करते हैं और उसको पढ़ रहे हैं कि NCERT की बुक्स जो है वो आ गई, अब हमारा एग्जाम तो इससे क्लियर हो जाएगा। मेरा केवल यही बात है कि RBSE की बुक से आप पढ़िए, RBSE की बुक से क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाइए, बार बार बुक्स को पढ़िए या क्वेश्चन आंसर सीरीज को बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने केवल एक ही आपका टेस्ट लिया है क्लास 6 का। वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के नहीं भी आए हैं। तो आप ऐसा कैसे पढ़ाई कर रहे हो कि एक छोटी सी क्लास जो है क्लास 6, तो वहां पर भी आप 100% अपना नहीं दे पाए, ठीक है। तो अभी तो आप जहां बैठे हो वहीं हो, लेकिन एग्जाम देने भी जाओगे, उससे पहले सारी जो भी सिचुएशन है उनको देखते हुए और सारी तैयारी जो है वो आप कर लीजिए। नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट हो जाइए, आप आज से ही स्टार्ट हो जाइए। अब 7th क्लास का आपका टेस्ट होगा पूरी की पूरी आपकी हिस्ट्री का, ठीक है। बिल्कुल याद करिए, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, क्यों नहीं होगा याद, बिल्कुल होगा याद। तो इसी तरीके से 120 प्लस मार्क्स जो है वो लाने के लिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी के हैं, बिल्कुल ये चीज माइंड से निकाल लीजिए, निकाल दें कि जो हमारी कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं सभी को बता रही हूँ, सभी बच्चों को, चाहे कोई भी कैटेगरी को हो, आपको 120 प्लस मार्क्स के लिए लड़ाई करनी है, ठीक है। और ये लड़ाई आप ही कर सकते हो। इसके लिए जरूरी क्या है, आपको ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पर हो, ठीक है। आज आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आप उसको माइंड मत करिए, उसको साइड में रखिए कि हम थोड़े टाइम बाद देख लेंगे ये चीजों को, क्योंकि लाइफ है एक ही बार मौका देती है, दूसरी बार मौका नहीं देती है। दूसरी बार मौका देगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपको एक चांस मिला है, अब कई बच्चों का तो लास्ट चांस ही होगा, तो ये जो चांस मिला है इसको क्यों मिस करते हो आप, इसको मिस मत करो, इसको बिल्कुल मिस मत करो। इसको आप ऐसा कर लो कि हाँ सिलेक्शन जो है वो मेरा होगा, और क्यों नहीं होगा। आप एक सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए तैयारी करोगे और फॉर्म आपके बहुत सारे निकलेंगे, आप वहां भी फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन वहां नहीं तो कहीं और हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, एक जगह की गई पढ़ाई जो है वो दूसरी जगह काम आ जाती है, ठीक है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें।
कि हमने तो रीट की तैयारी की थी इसलिए हमने पटवार में फेल हो गए, हमने तो पटवार की तैयारी कर रहे थे इसलिए रीट में फेल हो गए। अरे भाई बुक्स वही है, आरबीएसई की बुक्स ही है जो आरएएस में भी चल रही है, जो पटवार का एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके आरएएस में भी वहीं से आ रहा है, जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट है वहां भी वहीं से आ रहा है। क्या राजस्थान का जो कल्चर है क्या आरबीएससी की बुक में अलग है, एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें अलग है, क्या पटवार में अलग स्थितियां पैदा होती है? नहीं, बुक्स तो वही है ना। तो आप ऐसी चीजों को पढ़िए जो आपको रीट में भी आपका सिलेक्शन करवाए, पटवार में भी आपका सिलेक्शन करवाए, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, आप जो भी एग्जाम दोगे आरपीएससी का वहां आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपका प्रॉपर गाइडनेस के साथ अच्छी बुक्स को पढ़ना, उनकी बार बार प्रैक्टिस करना और प्रीवियस पेपर्स करना। आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, प्रीवियस पेपर्स करिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, क्योंकि वहां तो डिट्टो उठाकर ही आपका पेपर्स बन जाता है, इस जो भी चैप्टर होते हैं वहीं पर वहीं से ऑप्शन जो है वो निकालकर और आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बुक्स जो है वो बहुत काम की होती है। अब कुछ बच्चों का ये रह जाता है कि हमने ये बुक्स पढ़ ली दो तीन बार, अब हम क्या करें? आपने ये बुक्स पढ़ ली है, आप एक कोई ऑथेंटिक गाइड जो है, जिसके लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आप इन चीजों को कर चुके हो और फिर भी आपके मन में एक संतुष्टि नहीं है कि हमने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की, प्रॉपर एक गाइड लेके आइए जिसमें आपका सारा सिलेबस दिया हो, आप एक नजर जो है वो उनको मारना, आपको ऐसा लगेगा ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है और आपकी संतुष्टि जो है वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके की तैयारी हम कर रहे हैं उस तरीके की तैयारी हर कोई नहीं करता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो आती करते हैं और आती के बाद पीछे अपने कदम कर लेते हैं, तो सिलेक्शन उनका होता है जो बिल्कुल अंतिम जो पॉइंट है वहां तक जाते हैं। तो वो अंतिम पॉइंट पर जाना आप सबको जाना है, आप सभी को जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करिए, जमकर पढ़ाई करिए, ऐसा करिए जो आपको सबसे प्रिय चीज लगती है ना, उस तरीके से इस बार आप अपनी पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा प्रिय वस्तु बना लीजिए और उसके लिए आप जी जान लगा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।